हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हीरोइन जो होती है वो एक बहुत बड़ी मूवी स्टार बनना चाहती है हॉलीवुड में, इसलिए वो बहुत कोशिश करती है लेकिन वो बन नहीं पाती है। और हमारा मेन हीरो जो होता है वो उसे ऑफ़र देता है कि जब तक तुम हीरोइन नहीं बन जाती तो तुम मेरे साथ मेरी सेक्रेटरी बन सकती हो। अब इन दोनों में किस तरह से मोहब्बत शुरू होती है ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट। एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारी मेन लीड हीरोइन दिखाई जाती है जिसका नाम जिंग जिंग होता है, जो किसी से छुप रही थी और वो जैसे ही वहाँ से निकलती है कोई उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वो भागते हुए जा रही होती है, वो अपने दोस्त को फ़ोन करती है और उसे बुला रही होती है। उसका दोस्त कहता है मैं जल्दी ही वहाँ पर आ रहा हूँ। वो सड़क पर पहुँच जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसका दोस्त उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बहुत कोशिश करके उसे बचा लेते हैं। जब उसे होश आता है तो उसका दोस्त उसके पास आकर पूछता है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। वो उसे देखती है और पूछती है कि तुम कौन हो। वो फौरन डॉक्टर के पास जाकर पूछता है तो डॉक्टर बताते हैं कि उनके सर पर चोट लगने की वजह से ही ऐसा हो रहा है, हो सकता है उनकी याददाश्त वापस आ जाएगी। 2 हफ्ते के बाद वो उसे अपने घर ले आता है। घर ले आने के बाद वो उसे बोलता है कि तुम्हारा सपना था ना वो मैं पूरा करूँगा और हम अमेरिका जाएंगे। वो अपना नाम उसे जिनताई बता देता है। उसका दोस्त जो था वो झूठ बोल रहा था। अब हमें जिनताई को दिखाते हैं जो कि जिंग जिंग को याद करके रो रहा था। उसका दोस्त जो होता है वो उसकी माँ की तस्वीर दिखाता है। सबसे पहले जिंग जिंग को उसका दोस्त उसकी माँ की कब्र पर ले आता है। वो लोग वहाँ पर थोड़ी प्रार्थना करते हैं। उसके बाद वो लोग अमेरिका के लिए निकल जाते हैं। अमेरिका पहुँचने के बाद वो लोग बहुत मस्ती करते हैं और उसके बाद वो लोग ऑडिशन के लिए जाते हैं। ऑडिशन शुरू होने से पहले जिंग जिंग जो होती है वो मिस्टर जेम्स को शुक्रिया बोलती है उसको वहाँ पर बुलाने के लिए। तो मिस्टर जेम्स अपना लैपटॉप ऑन करके उसमें बहुत सारी उसकी वीडियोस दिखा के वे बोलते हैं किसी ने तुम्हारे वीडियोस और इमेजेस हमें बार बार भेजे थे, बहुत सारे भेजे थे। जैसा जैसा हमने देखा वैसे वैसे तुमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है, इसलिए हमने तुम्हें ये मौका दिया है। वो रोने लग जाती है और पूछती है कि वो कौन है जिसने आपको ये भेजा है, लेकिन मिस्टर जेम्स उसे नहीं बताते। वो कहते हैं कि नहीं, उसने मना किया है, तो तुम अपना परफॉर्मेंस शुरू करो। जिंग जिंग जो होती है अपना परफॉर्मेंस शुरू करती है और उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। वो रोने लग जाती है, उसको याद आ जाता है कि जिंदाई कौन। सभी लोग उसकी परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसका दोस्त उसके पास आता है और बोलता है क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो वो कहती है कि तुम जिंदाई नहीं हो और मुझे सब कुछ याद आ गया। अब कहानी 1 साल पीछे चली जाती है। जिंग जिंग को अपनी साइकिल को बांधते हुए दिखाया जाता है, तभी एक चोर एक लड़की का बैग लेके भागता है। पीछे से जिंताई आ रहा होता है तो जिंताई को चोर समझकर जिंग जिंग उसे ही मारती है और उसे पकड़ लेती है। जिंताई कहता है कि मैं वो चोर नहीं हूँ, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, लेकिन वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानती और उसके हाथों को बांध देती है। तो वो कहता है कि तुम क्या कोई जानवर हो क्या जो मुझे इस तरह बांध दिया है। आगे हमें दिखाते हैं कि वो उसको पुलिस स्टेशन पहुँचा देती है। पुलिस स्टेशन में पता चलता है वो औरत कहती है कि ये वो आदमी है नहीं जिसने मेरा बैग चुराया था, वो दूसरा है, और पुलिस उसे पकड़ कर ले आती है। यहाँ पर गलतफहमी हो गई होती है तो पुलिस वाले इनको छोड़ देते हैं। अब जिंग जिंग जो है अपनी साइकिल लेने के लिए उसी जगह पर पहुँचती है, लेकिन वो साइकिल वहाँ पे होती नहीं है और 2 गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं और उसे छिड़खानी करते हैं और उसे पकड़ कर ले जा रहे होते हैं। तो जिंताई वहाँ पर आ जाता है और सबसे पहले वो जिंग जिंग को गाड़ी में बिठाता है और उसके बाद वो उन गुंडों के साथ में लड़ाई करता है और उन गुंडों की अच्छी खातिरदारी कर देता है। उसके बाद वो जिंग जिंग को लेकर उसके हॉस्टल पहुंचता है और वो वहाँ पर उसको छोड़ देता है। वो जब जाने लगती है तो वो उसे रोककर बोलता है कि ये शहर छोड़कर मत जाना, अभी अपना हिसाब बाकी है। तो कहती है देख लूँगी तुम्हें। आगे हमें दिखाते हैं कि दादाजी जो होते हैं वो मैंगजी को फ़ोन करके बोलते हैं कि तुम्हारा छोटा भाई कहाँ पर है। तो वो बोलता है कि मैं अभी पता लगाता हूँ। तो उसके दादाजी उसे चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं तुम्हारा भाई पुलिस स्टेशन में है, और अगर तुम अपने भाई का ख्याल नहीं रख सकते हो तो तुम बिजनेस या खाक संभालोगे। अगर तुमने मेरी बात को नहीं समझा और उसे घर नहीं लेकर आए तो तुम अमेरिका में ही रह जाना। ये सुनकर बेचारा वो कुछ बोल भी नहीं पाता है। दादाजी उस पर भड़क जाते हैं और उसे खूब सुनाते हैं। अब वो कहता है कि ठीक है मैं पता लगाता हूँ। उसके बाद वो मिंगजी जो होता है जिंताई को फ़ोन लगाता है, लेकिन जिंताई फ़ोन उठाता नहीं है। तो उसका सेक्रेटरी बोलता है कि सर आप मैसेज क्यों नहीं कर देते। तो वो मैसेज भी करता है लेकिन जिंताई कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। जिंताई जो है अपना पासपोर्ट चेक करता है, जो पासपोर्ट होता है वो जिंग जिंग का होता है, इसलिए वो उसे देने के लिए उसके कॉलेज में चला जाता है और पूछता पूछता वो उस जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन तभी पीछे से गुंडे भी आ जाते हैं।
वहाँ अंदर जिंग जिंग की दोस्त जो होती है वो आकर उसे बताती है कि मिस्टर जेम्स भी आए हैं ऑडिशन के लिए। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। तभी जिंग जिंग का फ़ोन बजता है और उसकी आंटी ने फ़ोन किया हुआ होता है। उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और उसकी माँ कोमा में चली जाती है, इसलिए वो बेचारी बहुत उदास हो जाती है। लेकिन उसकी दोस्त जो होती है वो कहती है तुम्हें अपनी माँ के लिए करना पड़ेगा, इसलिए वो अपना डांस परफॉर्मेंस शुरू करती है। तभी वहाँ पर पीछे जिनताई के साथ गुंडों की हाथापाई शुरू हो जाती है और वो लोग स्टेज की तरफ ही आ जाते हैं और पूरा पर्दा वगैरह सब गिर जाता है और वो सब वहाँ पर लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी आदमी जो होता है वो रस्सी को खोल देता है और लाइटिंग गिरने वाली होती है, तभी जिनताई जो है उसको बचा लेता है। सारे लोग ये देखकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं। मिस्टर जेम्स जो होते हैं वहाँ से जाने लगते हैं तो जिंग जिंग जो है उनके पीछे जाती है और बोलती है कि आप प्लीज़ मुझे एक मौका देके देखिए। तो वो बोलते हैं कि देखो आजकल के जनरेशन को क्या हो गया है, हार जीत लगी रहती है, तुम्हें हार को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, अगली बार मेहनत करके आना, ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वो बेचारी बहुत उदास हो जाती है और वहीं बैठ के रोने लग जाती है। फिर वो बाहर जा रही होती है तो जिनताई उसके पीछे आ जाता है। वो उसे बताता है कि हमारे पासपोर्ट बदल गए हैं। वो उसे ये भी पूछता है कि तुम वापस चाइना क्यों जाना चाहती हो। तो वो बोलती है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करना। जिनताई कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी है तो तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वो कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं, बस तुम यहाँ से चले जाओ। वो बोलता है मैं तुमसे माफ़ी ही तो मांग रहा हूँ। वो कहती है कि मैंने सिर्फ इस डांस परफॉर्मेंस के लिए पूरे महीने प्रैक्टिस की थी लेकिन तुम्हारी वजह से सब कुछ ख़राब हो गया और अब तुम मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हो और मैं तुमसे कह रही हूँ अब मेरा पीछा मत करो और मेरे पीछे आने की ज़रूरत भी नहीं। जिंग जिंग चली जाती है, जिनताई जो है उसे देखता ही रह जाता है। अब जिनताई को दिखाते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में होता है और वो पुलिस ऑफिसर उसे बोलती है कि आप अपना लॉयर भी हायर कर सकते हैं। वो बोलता है कि मैंने सुना है कि अगर मैं किसी केस में फंस जाता हूँ तो मैं इस देश को छोड़कर जा नहीं सकता, क्या ये सच है? और यही हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूल। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।